दोस्तों नमस्कार। लोको ज्ञान अर्जन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कन्वेंशनल लोको के प्रोपोर्शनल ब्रेकिंग को समझते हैं और देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो जब ये बीपी 5 kg 5 kg/cm² से चार्ज हो जाता है, तो यहाँ देखिए डीवी का ऐसा फंक्शन होता है कि यहाँ यह आइसोलेटिंग कॉक इसका खुला रहने से ये डीवी में ऐसा बनावट है कि इसका इधर से 5 kg का प्रेशर इन करता है और ये इसका कंट्रोल रिजर्वर भी 5 kg से चार्ज हो जाता है। तो ये डीवी भी 5 kg से उसका कंट्रोल रिजर्वर दोनों, ये जब 5 kg से चार्ज हो जाता है तो ये बैलेंस रहता है। जैसे ही हम लोग A9 से, देखिए A9 से जैसे ही हम लोग प्रेशर ड्रॉप करते हैं तो ये डीवी क्या होता है कि अनबैलेंस होता है। सीधी WV वाल्व जो होता है अनबैलेंस होता है, और जब अनबैलेंस होता है इधर प्रेशर कम हो जाता है, इधर 5 kg CR में है तो अनबैलेंस हो गया। तो ये क्या करता है कि इसको इसका सीधे डब्ल्यू डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जॉस्ट बंद हो जाता है और ये वाला खुल जाता है। और इधर से देखिए MR4 का, जो MR4 का प्रेशर ये आता है इधर से, ये को खुला रहता है, MR4 का प्रेशर इधर से आता है और ये लिमिटिंग वाल्व पे के थ्रू लिमिटिंग वाल्व से होकर के जाता है। तो लिमिटिंग वाल्व का फंक्शन ऐसा है जे कितना भी प्रेशर 8.5 से 10 kg का जो MR प्रेशर रहता है उसमें से 1.8 kg/cm² ही अलाउ करता है। तो ये क्या करता है कि मैकेनिकल वीएफ पर 1.8 का ऑपरेटिंग प्रेशर देता है। ये तो 1.8 का ऑपरेटिंग प्रेशर देता है तो इसका क्या होता है कि ये मैकेनिकल वीएफ का ये पोर्ट खुल जाता है और इसका एग्जॉस्ट पोर्ट ये बंद हो जाता है। तो ये पोर्ट जब खुलता है तो यहाँ से MR4 का, देखिए MR4 का जो प्रेशर ये आ रहा है यहाँ से, ये 1.8 kg का इन करता है और यहाँ से F1 सिलेक्टर वाल्व का पोर्ट नंबर 4 और 16 कनेक्ट होता है और यहाँ से ये डबल चेक वाल्व में आता है। तो यहाँ ऐसा बनावट है डबल चेक वाल्व का, थोड़ा सा इसमें अलग है, दूसरा सर्किट में एक देखते हैं समझते हैं। तो देखिए डबल चेक वाल्व में जब F1 सिलेक्टर वाल्व का 4 और 16 जब कनेक्ट होता है तो यहाँ से डबल चेक वाल्व में आता है। डबल चेक वाल्व में ये इसका सेटिंग ऐसा है कि इधर से ये प्रेशर आता है तो इसको पुश करके और यहाँ से ये प्रेशर 1.8 का अलाउ करता है और सीटी रिले वाल्व पर IAB पर ये जा करके 1.8 kg/cm² का ऑपरेटिंग प्रेशर देता है। और 1.8 kg/cm² का ऑपरेटिंग प्रेशर जब यहाँ देता है सीटी रिले वाल्व पर IAB पर, तो MR4 का प्रेशर यहाँ से ये इसका पोर्ट खुल जाता है। ऑपरेटिंग प्रेशर यहाँ देने से ये इसका पोर्ट खुल जाता है और ये वाला बंद हो जाता है। तो MR4 का जो प्रेशर होता है 1.8 kg/cm² इस रास्ता से होकर के यहाँ से आते हुए बोगी कटआउट को खुला रहने से यहाँ से लोको ब्रेक में जा करके ब्रेक सिलेंडर में 1.8 kg का ये ब्रेक अप्लीकेशन करेगा। और इसको देखिए गेज में भी देखा जा सकता है, कैब 1 में या इधर से इसके थ्रू कैब 2 में भी, दोनों कैब में BC गेज में उसको 1.8 kg का ये देखा जा सकता है ब्रेक अप्लीकेशन। और जब हम चाह रहे हैं कि लोको ब्रेक के साथ, मतलब जैसे A9 से हम लोग ड्रॉप किए तो ट्रेन ब्रेक के साथ लोको ब्रेक ना लगे, तो उसके लिए देखिए एक ऐसा फंक्शन दिया हो कि हम लोग PVF को प्रेस करते हैं। तो PVF प्रेस करने से इलेक्ट्रिकल VF का एक क्वाइल एनर्जाइज होता है और इसका एनर्जाइज होने से ये ऊपर में इसका ये खींच लेता है ऊपर में, और ये जब ऊपर जाता है तो इसका एग्जॉस्ट पोर्ट ये बंद हो जाता है, ये पोर्ट खुल जाता है और यहाँ से ये 8.5 से 10 kg का प्रेशर यहाँ से इन करता है इस रास्ता से आ करके, और मैकेनिकल वीएफ पर ऑपरेटिंग प्रेशर जो 1.8 का आ रहा था तो यहाँ से इन किया तो 1.8 ही है उधर से आ रहा था और ये 8.5 से 10 kg का है तो इसका तो ये मजबूत है तो उसको ये अलाउ नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। तो इधर तो ये जो उधर से 1.8 का प्रेशर जो दिया हुआ था ये क्या होता है कि ये उसको पुश कर देता है तो ये इसका एग्जॉस्ट पोर्ट इधर से खुल जाता है, ये बंद हो जाता है, ये ऊपर चला जाता है तो ये इसका बंद हो जाता है। तो 1.8 का इधर से जो आ रहा था ये प्रेशर बंद हो गया और ये इसका पोर्ट खुल जाने से जो डबल चेक वाल्व के द्वारा इधर से F1 सिलेक्टर वाल्व के थ्रू जो डबल चेक वाल्व से होते हुए जो ये ऑपरेटिंग प्रेशर सीटू रिले वाल्व पर, देखिए सीटू रिले वाल्व पर पे जो ऑपरेटिंग प्रेशर ये जो जा रहा था ये क्या होता है कि यहाँ से होते हुए वहाँ से इसके थ्रू यहाँ से ये
एफ वन सेलेक्ट वाल्व के द्वारा, देखिए मैकेनिकल वी एफ का एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाता है, तो ये सी टू रिले वाल्व आई ए वी पर जो ऑपरेटिंग प्रेशर था इसके थ्रू निकल गया, और ये ब्रेक जो अप्लीकेशन था, लोको ब्रेक जो लगा हुआ था, तो इसका ऑपरेटिंग प्रेशर जब सी टू रिले वाल्व पर आई ए वी पर जो 1.8 आ रहा था, तो ये तो बंद हो गया, ये इसके थ्रू ये निकल गया, तो ये इसका भी ये पोर्ट खुल जाएगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये पोर्ट खुल जाने से इसका लोको का भी, जो लोको में भी जो प्रेशर गया हुआ है, इसका एग्जॉस्ट पोर्ट से निकल जाएगा और यहाँ चार्जिंग बंद हो जाएगा, इसका जो ये प्रेशर अलाउ कर रहा था तो ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से लोको ब्रेक नहीं लगता है, ट्रेन ब्रेक के साथ में लोको ब्रेक नहीं लगता है। और इसमें देखिए यहाँ से ये डबल चेक वाल्व का ऐसा फंक्शन है कि जब हम लोग A9 के थ्रू लगाते हैं तो इधर से ये प्रेशर को इधर से C2 रिले वाल्व पर आई ए वी अलाउ करता है, और जब SA9 से लगाते हैं तो देखिए ये MU2B का पोर्ट नंबर 2 और 20 कनेक्ट होता है, और यहाँ से डबल चेक वाल्व में वो प्रेशर आता है 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। SA9 से जब लगाते हैं तो 3.5 किलोग्राम का प्रेशर यहाँ से आता है, और इसका ऐसा बनावट है डबल चेक वाल्व का कि इधर से प्रेशर आएगा तो ये सोखे के इधर चला जाएगा, और इधर से आएगा तो ये इधर चला जाएगा। तो ये जिधर से प्रेशर आएगा उसका पुश होकर के इधर से अलाउ प्रेशर को करता है। तो ये अगर S9 से लगा रहे तो यहाँ से ये प्रेशर आएगा, इसको पुश करके उधर कर देगा, और यहाँ से ये प्रेशर को अलाउ करेगा, और यहाँ 3.5 किलोग्राम का ऑपरेटिंग प्रेशर जब देगा तो MR4 का, तो ये 3.5 किलोग्राम का जब प्रेशर ऑपरेटिंग प्रेशर देगा तो ये इसका एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाएगा और ये पोर्ट खुल जाएगा। तो MR4 से 3.5 किलोग्राम का ही प्रेशर यहाँ से अलाउ करेगा इसको, और लोको ब्रेक ये बोगी कॉट खुला रहने से लोको ब्रेक में 3.5 किलोग्राम का ये ब्रेक अप्लीकेशन करेगा, और इसका गेज में भी देखा जा सकता है। तो इस तरह से ये डबल चेक वाल्व का फंक्शन है जो इस तरह से काम करता है। और ब्रेक नहीं लगाना चाहते हैं तो इधर से ये तो समझ लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।